हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्टोकार्पस इक्टोकार्पस के बारे में एक बार हम फिर से बात करेंगे और स्पेशली इसके रिप्रोडक्टिव जो बॉडीज होती हैं उन पर बात करेंगे जैसा कि हमारे थम नल आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्टिव बॉडीज जिसमें हमने म्यो स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स माइटो स्पोर्ट्स एंड जॉइट्स एंड गीट के बारे में बात करनी है स्पेशली तो भाई कि इक्टोकार्पस के बारे में हम जानते हैं और दिस इज़ स्पेशलीफॉर दिलेबस ऑफ उत्तर प्रदेश पीजीटी, टीजीटी एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जीआईसी बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट कंसर्न टू सलेबस जी आई एंड पी एंड टी जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्पस में बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी और बात करते हैं कार्पस जो कि ब्राउन एलगी होता है और इस स्पेसिफिकली इसमें बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक ब्राउन एल्गी होता है जबकि इसके दूसरे मेंबर्स काफ़ी लार्ज एंड बिग कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन करते हैं कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो बड़े एल्गी जो होते हैं वो भी इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिन्हें केल्प लेमिनेरिया डिक्टोटा सार्गेसम फ्यूकस सभी इसके मेंबर्स हैं बट उन सबके अपोजिट एक्टो कार्पस ए वेरी माइन्यूट अब यू कैन से दैट इट इज माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता गाइट्स अब हम इस पर सिंपल सी बात करें कि इसकी जो स्पीसीज होती है इट इज जीनस तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज में आती हैं हंड्रेड स्पीसीज ग्लोबली मगर इंडिया में कितनी पाई जाती है सिक्सटीन स्पीसीज उन सिक्सटीन स्पीसीज में जो हमारा वेस्टर्न घाट है मोस्टली उस पर पाई जाती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट अब इनका जनरल एरिया की बात करें तो ये वाइड डिस्ट्रीब्यूटर होती है मतलब कास्मोपोलिटन केवल अंटार्कटिका जो हमारा एक कॉन्टिनेंट है उसे छोड़ के बाकी हर कहीं पाई जाती है मोस्ट स्पीशीज जो पाई जाती है चूँकि ये मरीन है क्योंकि ब्राउन एल के 99.7 नाइन परसेंट जो मेम्बर्स हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं मतलब मरीन वाटर में पाए जाते हैं तो उसी पॉइंट पर आपका एक तो कार्पस भी मरीन वाटर में पाया जाता है स्पेशली जो टेम्परेट वाला रीजन्स होता है मतलब कोल्ड वाटर के जो सीजन होते हैं उनमें पाया जाता है स्पेशली चाहे वो टेम्परेट हो एंड पोलर रीजन्स कुछ स्पीशीज की ट्रॉपिकल में भी पाई जाती हैं और एक एक जो सिंगल वन है वो फ्रेश वाटर में भी रिपोर्ट करी गई है इंक्लूडिंग एक ब्रेकिस वाटर में भी पाई जाती है बट मेजॉरिटी ओशियन स्पेशली कोल्ड वाटर ठीक है टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स और इसके बाद अगर, अगर अटलांटिक और पैसिफिक कोस्ट की बात करें तो अटलांटिक की ज़्यादातर स्पीशीज पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू पैसिफिक और लास्टली हम बात करें माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलूलर यू यूकरियाटि, तो यू की बात करना तो क्योंकि गाइज़ आउला जो हमारे एलेवन ग्रो जो क्लासेस है एलगी के उसमें केवल साइनोफाइसिस हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी एलगी होते हैं वो सभी यू कैटेगरी के होते हैं और इक्टोकॉपस तो के बारे में बात करें तो ये मल्टी सेलूलर होता है उसके साथ ये फ्लामेंटस होता है ठीक है ब्राउन एलगी नाउ दिस इज थैलस एंड रिप्रोडक्टिव कुछ स्ट्रक्चर के साथ इसके थैलस का पिक्चर है गाइज दिस इज एक टोकारप थैलस इसमें इसका ये जो होता है होल्ड फास्ट ये रीज़न आपका स्टाइप जो स्टेम के बराबर होता है और ये वाला जो होती, होती फ्रंट से है लिप्स होती है जिन्हें फ्रंट्स बोलते हैं इन पे ऑलरेडी जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार बताना चाहता हूँ एक बार फिर से आप देख लें ये सपोज कर लीजिए क्योंकि इसका थैलस दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है प्रोस्टेड जो मतलब जो सर्फेस होती है उसके साथ अटैच होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो इरेक्ट होता है मतलब बिल्कुल इरेक्ट अपराइट बोलते हैं और इस अपराइट वाले पार्ट में जो फ्लामेंट्स होते हैं उसमें कुछ हैप्लाइड फिलामेंट भी होते हैं और कुछ डिप्लाइड फिलामेंट भी होते हैं तो हैप्लाइड वाले फिलामेंट को हम गमिटोफाइट बोलते हैं और डिप्लाइड वालों को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं इसके बाद एक और बात ध्यान रखें जो गमिटोफाइट होते हैं गाइज उसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के स्ट्रेन वाले मतलब एक गमिटोफाइट एक ये भी हैप्लाइड है और ये भी हैप्लाइड है सपोज कर लेते हैं ये भी हैप्लाइड और ये भी हैप्लाइड तो इसमें मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे और इसमें आपके फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव आर्गन बनेंगे ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरा इसी थैलस पे स्पोरोफाइट है जिसमें आपके क्या बनेंगे स्पोरेंजिया बनेंगे मतलब उसमें स्पोर्ट्स बनेंगे उसमें मेल और फीमेल का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा स्पोर्ट्स होंगे केवल वो ठीक है और स्पोर्ट्स वाला जो होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसमें दोनों टाइप की स्पोरेंजिया बनती है यूनिलोकुलर भी स्पोरेंजिया बनेंगी और प्लोरी लोकुलर स्पोरेंजिया भी एक ही फ्लामेंट पे बन सकती है या दूसरे फ्लामेंट पे बन सकती है इसमें कोई मेल और फीमेल का कॉन्प्ट नहीं होता जबकि गमिटोफेटी वाले जो फ्लामेंट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल का कॉन्प्ट होता है कि मेल गमिट और फीमेल गैमिट बट ये सभी प्रेजेंट होते हैं एक ही थैलस पर सिंगल थैलेस पर सब कुछ प्रेजेंट होता है इसे तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं गई देखिए आपके स्पोरेंजिया ये हो गई और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया ये हो गई मतलब इसमें मल्टी चैम्बर्स हैं और ये सिंगल चैम्बर्ड है इसके अलावा अगर हम उसकी बात करते हैं दो पार्ट ये प्रोस्टेट वाला पार्ट हो गया और ये वाला इरेक्ट वाला पार्ट हो गया दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं इसका गाइज तो इसमें आपको गैमिटोफाइट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जो गेमिटोफिटिक बॉडी होती है उसमें आप देखते हैं कि ये हैप्लाइड होती है और इस वाली बॉडी में आपके सिंगल केवल एक ही तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है गाइज़ देखिए सिंगल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जितनी भी रिपोर्टक्ट बॉडी सब सिंगल ही हैं और ये क्या कहलाती है ये केवल यूनिलोकुलर गैमिटेंजिया यूनिलोकुलर सॉरी लोकुलर गैमिटेंजिया होती है प्लो ऑनली एक ही तरीके की केवल एक कैटेगरी होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं पिलोरी लोकुलर गैमिटेंजिया और इसमें जो गैमिट बनेंगे उनके अकॉर्डिंग ये बात करना कि कोई फिलामेंट ये सब हैपलाइड है ये भी हैप्लाइड है अब इसमें एक को हम मेल कंसीडर कर लेंगे और दूसरे हैप्लाइट को हम फीमेल कर लेंगे कहने का मतलब एक पे मेल गैमिट और दूसरे पे फीमेल गैमिट और दोनों कहाँ बनेंगे सिंगल टाइप पिलोरी लोकुलर गैमिटेंजिया में बनेंगे हैप्लाइट नाउ दिस इज सिंगल सेल्ड पिक्चर जिसमें आप सिंपली देख रहे हैं क्रोमेटोफोर्स फोर्स न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सेल बाल सेल वाल आपने देखा होगा जैसे कि डबल मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ जो आपको फाइकोकोलाइड्स वाले पार्ट रीजनस होते हैं जिनमें हम एलिजिन की बात कर सकते हैं और सल्फेटेड फ्यूकैंस होते हैं जो इसकी पॉलीसे्ट्राइड सेकेंडरी जो बाल होती है बाहर साइड की आउटर बाल उसमें पार्ट होते हैं और जो इनर बाल होती है एक्चुअल सेल वाल होती है वो सेलिडोर्स की बनी होती है और जो क्रोमेटोफोर्स का स्ट्रक्चर होती है वो डिस्कवाइड होती है और क्रोटो और जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता गाइड वो स्पायरल होता है मतलब रिबनसेप्ट होता है ना न्यूक्लियस भी होती है और न्यूक्लियोलस भी होता है तो हमारा जो डिस्कशन है इस पर आज हम रिपोडक्टिव मोस्टली रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारे क्वेश्चन हैं तो पहला क्वेश्चन का जिसमें कह रहा है जैसे आपने देखा होगा कि सेप ऑफ पिलोरी लोकुलर स्पोन इसका मतलब ये सिंपल होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं हम डिप्लाइट थैलस की बात स्पोरोफाइट पे बनने वाली जो बॉडी होती है उन्हें हम स्पोरेंजिया बोलते हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स होते हैं गाइज ए सेक्सुल रिपोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अब चूंकि स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया दो टाइप की होती है यूनिलोकुलर स्प्रिंजा होती है और प्लोरीलोकुलर स्प्रिंजा भी होती है यूनिलोकुलर स्प्रिंजा का मतलब हुआ गाइज कि उनके अंदर केवल एक चैम्बर्स होता है ठीक है और उसके अंदर क्या बनते हैं स्पोर्ट्स बनते और प्लोरीलोकुलर स्प्रिंिंजा का मतलब होता है कि उसके अंदर मल्टी चैम्बर्ड होते हैं इस तरीके से तो दोनों टाइप की स्पुरंजियाँ होती हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लोरीलोकुलर स्पुरजिया होती है उसकी शेप कैसी होती है उसकी आकृति कैसी होती गाई तो हम एक बार फिर पिक्चर देख लेते हैं और पिक्चर में क्लियर आपका मेंशन है कि देखिए स्पोरोफाइट जो आपका दिखाया है इस पर जो प्लोरीलोकुलर स्प्रंजियाँ हैं तो ये देख सकते हैं गाई ये वाली इसकी बात कर रहे हैं तो ये कैसी गाइज लाइक दैट ये कैसी हो गई कॉन्सेप्ट तो बस ये आपको ध्यान रखना है तो आंसर आपका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर डी कॉन्सेप्ट होती है सिंपल गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात कर रहे हैं दी गैमीट्स एंड स्पोर्ट्स इसमें दोनों को एक साथ ले आए कि गैमीट का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडी और स्पोर्ट्स का मतलब होता है ए सेक्सुअल रिपोडक्टिव बॉडी तो गैमीट एंड स्पोर्ट्स ऑफ द इक्टोकार्पस पौधे मतलब गैमीट और स्पोर्ट्स जो होते हैं इक्टोकार्पस उनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं पहला ऑप्शन है ये सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सिंगल पैरिनॉयड होता है थर्ड ऑप्शन में कह रहा है सिंगल क्लोरोप्लास्ट विदाउट पैरिनॉइड की क्लोरोप्लास्ट तो होता है वो भी एक और पैरिनॉयड नहीं होता है और डी ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ ए एंड बी तो गाई जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है कि जो आपके चाहे गैमीट हो चाहे स्पोर्स हो एक्टोकार्पस में उनके पास एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट सिंगल क्लोरोप्लास्ट के साथ एक सिंगल पैरिनॉइड होता है इट इज ट्रू स्टेटमेंट तो ये दोनों बातें सही हैं तो इसका जो ज्वाइंट ऑप्शन है डी जिसमें आंसर है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करेंगे स्टडीज ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टो बिगिन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन फ्यूजन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ मेल गेमिट टुवर्ड्स द सेटल्ड फीमेल गेमिट देखो समझने की बात है कि इसमें कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है एक्टो का क्योंकि आपने देखा कि ब्लू ग्रीन एलगी के बारे सॉरी जो हमारे ब्राउन एलगी हैं जिसे एक्टो बिलोंग करता है इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम स्टडी किया हुआ ग्रुप है ये सबके इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो इसके बारे में जो आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली है जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है वो स्पेशली आते है इक्टोकार्पस के थ्रू क्योंकि इक्टोकार्पस इज द मॉडल आर्गेडिंग फॉर ऑल ब्राउन एलगी मतलब ब्राउन एल्गी के बारे में जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो कम्स फ्राम दी एक्टोकार्पस स्पेशली जो जिसकी इक्टोकार्पस की एक स्पीसीज होती है इक्टोकार्पस स्ली क्लोसस जो इसकी टाइप स्पीसी होती है उससे इसकी स्टडी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सभी दूसरे ब्राउन एलगी के बारे में तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमें सेक्सुअल फ्यूजन के बारे में जो मतलब इन्फॉर्मेशन है आदि एक्टोकॉपस के बारे में वो हमें किसके थैलेस की स्टडी करने के बाद मिली मतलब कौन सी स्पीसीज़ की स्टडी करने के बाद रिप्रोडक्शन की जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं बुक्स में वो कहाँ से आई किस स्पीसीज़ की स्टडी के रेफरेंस में वो इन्फॉर्मेशन है मतलब जो रिप्रोडक्शन के बारे में जो लिखा है किताबों में या बुक्स में वो किस स्पीसीज़ के रिगार्ड में लिखा है स्पेशली तो वो लिखा है ऑप्शन ए ने स्ली क्लोसिस जो है वो इसकी टाइप स्पीस है और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन से ये बात लिखी गई है करेक्ट आंसर आपका ए क्वेश्चन नंबर फोर में बात करते हैं यूनिक एनोइनिक पॉलीसाइक्राइड प्रोड्यूस्ड बाई ब्राउन एलगी इंक्लूड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए जो कि यूनिक का मतलब समझते हैं कि देर आर नो एनी प्लेस वेयर दिस पॉलीसेक्राइड में बी फाइंड तो आप कह सकते हैं कि जो कह रहा है कि जो आपका ब्राउन एलगी है इनमें जो पॉलीसेक्राइड और कैसे वाले एनानिक एनानिक पॉलीसेक्राइड जो कि यूनिक है फॉर ब्राउन एलगी और वो इसकी कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसकी जो आउटर सेल सेलवाल होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है और इनर सेल सेलवाल जो होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है तो कौन सा ऐसा है जो एनैनिक है और यूनिक है स्पेशली प्रोड्यूस बाय दी ब्राउन एल्गज सेलुलोज <coughs> तो देखिए देखिएगा सेलुलोज तो आपके प्लांट में प्रेजेंट होता है सभी में सेलुलोज लगभग प्रेजेंट होता है आपने जितने एलगी मैंने आपको पढ़ाएं एलजिन के बारे में आपने जो सुना होगा वो स्पेसिफिकली ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है <coughs> तो हमारा ऑप्शन बी सही हो सकता है दूसरा पॉइंट है सी सल्फेटेड फ्यूकैंस ये भी स्पेसिफिकली ब्राउन एल्गी केलवाल में पाए जाते हैं तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी बोथ बी एंड सी इस करेक्ट आंसर ये दोनों कैसे एनॉनिक वाली सेक्ट्राइड है प्रेजेंट इन द आउटर सेल वाल ऑफ द ब्राउन एल्गी एंड यूनिक कहने का मतलब कहीं और नहीं पाए जाएंगे गाइज जबकि सेलोज ब्राउन एलगी में पाया जाता है और ग्रीन एलगी में पाया जाता है ग्रीन, ग्रीन प्लांट में पाया जाता है तो इट इज़ नॉट और ना ही ये एनोनिक है ना ही यूनिक है क्योंकि दूसरी जगह पर पाया जाता है तो करेक्ट आंसर का होता है हमारा डी आंसर है कि एलजिन और फल्फेटेड फ्यूकेंस जो होते स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द सेल वाल ऑफ ब्राउन एल्गी कोई भी प्लेस कोई भी ऑर्गेनिक नेचर में नहीं है जहाँ पर ये दोनों केमिकल पाए जाते हो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी सिंथेसाइज सम न्यूट्रल पॉलीसेक्राइड इन इन विद द लैंड प्लांट देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आपने सही से सुना है तो करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं कि ब्राउन एल्गी सिंथेसाइज सम न्यूट्रल पॉलीसेक्राइड न्यूट्रल का मतलब ना एनैनिक है ना कटैनिक है ठीक है इन कॉमन विद लैंड प्लान जो लैंड प्लान में बनते हैं तो लैंड प्लांट में पॉलिसक्राइड बनते हैं तो कौन सा बनता है सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है गाइस और ये आपका ब्राउन एल्गी मैंने कहा ब्राउन एल्गी भी बनता है मगर यूनिक नहीं है क्योंकि दूसरी का बनता है सल्फेटेड फ्यूकेंस और एलजीन तो यूनिक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस बी लैंड प्लान के साथ सिमिलरिटी शो करता है ऑन सेलुलोज के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि सेलुलोज ब्राउन एल्गी में भी होता है ब्राउन और लैंड प्लांट मतलब लैंड प्लांट का जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो भी हमारे टेडोफाइड्स हैं उनमें सब में सेलुलोज होता है तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी क्वेश्चन नंबर सिक्स में बात करते हैं न्यूट्रल पॉली सेक्राइट बाय बाई दोकार पर देखिए बार बार भाई क्वेश्चन को पूछने का तरीका है न्यूट्रल पॉली मतलब ना उस पर एनाइनिक ना कैटाइनिक ठीक है तो ऐसा पॉलीसेक्राइट कौन सा है सी सेलेज है बाकी सल्फेटेड जो फ्यूकेंस और एलजन है ये एनाइनिक है करेक्ट आंसर आपका क्या होता है सी बहुत ही तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच थे क्वेश्चन नंबर सेवन में हम बात करते हैं वाट इज ट्रू अबाउट दी फ्योफाइसियन हेयर्स देखिए फ्योफाइसी का मतलब हुआ ब्राउन एलगी जिन्हें माचो एल्गी भी बोलते हैं और सबसे बड़े एलगी होते हैं गाइज डेंट्रॉइड कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं इनके बारे में कुछ बात है इनके एक हेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं फ्योफाइसियन हेयर्स ठीक है गाइज आप इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट सुने दे आर क्रिस्टलाइन फिलामेंट्स डिवाइड ऑफ प्लास्टिक मतलब इनके अंदर प्लास्टिक नहीं होता कहने का मतलब ये ग्रीन नहीं होंगे ठीक है प्लास्टिक नहीं है डेवलप फ्राम बेसल मेरिस्टेम जो बेसल मेरिस्टेम का मतलब जो प्रोस्टेट वाला पार्ट होता है बाहर से ये सीक्रेट मतलब इनका फॉर्मेशन होता है ये बिल्कुल सही बात है फ्यूफाइसिन हेयर्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता मतलब प्लास्टिक नहीं होते हैं और ये क्रिस्टलाइन का मतलब होता है इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता क्रिस्टल जो बाटर बाटरी कलर जो होता है उसके लिए कहा जाता है और बी अपसेंट का कह रहा है बी अपसेंट में कि अपसेंट निक्टोकार्पस एक्टोकार्पस में ये एबसेंट हो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो स्टडी चल रही है इक्टो कार्पस चल रही है एक्टो में ये फ्यूफाइसिन जो हेयर्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं जबकि इनका एक सिस्टर जीनस होता है जो इसका बिल्कुल क्लोज होता है जिसका नाम है कुकी किया उसमें ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये बात भी बिल्कुल सही है आपको बहुत ध्यान रखना कि एक्टोकारपस में फ्यूफाइसिन हेयर्स एबसेंट होते हैं सी ऑप्शन है। में कह रहा है एक्टोकार्पस हेप सीडो हेयर्स अब इनकी जगह पे फ्यूफाइसी हेयर तो नहीं होते ओरिजिनल वाले मगर एक्टो में सीडो हेयर्स पाए जाते हैं वो एक्चुअल होते क्या है वो जो 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 होती हैं उनका डिस्टल एंड होता है उन्हें हम कहते हैं सीडो हेयर्स और वो इक्टोकार्पस में फ्यूफाइसिन हेयर का जो काम होता है सीडो हेयर के थ्रू इक्टोकार्पस में किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि फ्यूफाइसिन हेयर की जगह पे यहाँ पे सीडो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए मैंने सीडो हेयर्स बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट लाइक द फ्यूफाइसिन हेयर बट नॉट एक्चुअल फ्यूफाइसिन हेयर्स ठीक है तो डी स्टेटमेंट आल अब देव करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी है क्योंकि सभी बातें जो ए बी सी जो है स्टेटमेंट आर करेक्ट कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर एट में हम बात करते हैं इन इज आ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन इक्टोकार्पस देखिए फिर वही क्वेश्चन जो एंड है कि एक्टोकार्पन में क्या चीज एबसेंट होती है हाइडोजन मेटाबोलिन होती है हमने आपको बताया स्वीडो हेयर तभी आपको बताया होते हैं फायसोइड भी बताया आपको होते हैं क्या नहीं होता अभी ऊपर ही बताया फ्योफाइसन हेयर यहाँ पे नहीं होते करेक्ट आंसर आपका बी क्वेश्चन नंबर नाइन में बात करते हैं आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फिलेजलेटेड गैमिट इज फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देखिए आइसोगेमस कंडीशन आपने देखा है कि आपके एक्टोकार्पस में भी होती है मगर ज्यादातर कौन सी होती है नाइसोगेमस होती है बट एक तो कार्पस में जो स्पोर्ट्स है वो कैसे हैं गैट फ्लेजिलेटेड है मगर यहाँ जो क्वेश्चन करा गया कि आइसोगे कंडीशन के साथ नॉन फ्लेजिलेटेड गमीट विद आइसोगैमिस कंडीशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोडक्शन हो आइसो गो गिट हो जो पार्टिसिपेटिंग गमीट से वो कैसे हो नॉन फ्लेजिलेटेड ये कंडीशन पाई जाती गाइज आपके स्पायरो गायरा में ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर टेन में हम बात करते हैं इन विच इन विच क्लास ऑफ एलगजल आर टोटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज

कहाँ होता है स्पोरेंजियम में स्पोरेंजिया कहाँ बनती है स्पोरोफाइट पे ठीक है जो स्पोरोफाइट कैसा होता है मेन प्लांट बॉडी होती है आपके इस एल की जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्टोकारपस में उसमें स्पोरेंजिया डेवलप होती है यूनिलोकुलर भी होती है और प्लोरीलोकुलर भी होती है और उनके अंदर डेवलप होते हैं मीओ स्पोर्स तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब फार्मेशन होता है मीओ स्पोर्स का तो क्या मेोसिस होती है ओनली या माइटोसिस होती है या एक टाइम म्योसिस होती है एंड सेवरल टाइम माइटोसिस होती है या फिर एक एपोमेयोसिस एक, एक स्पेशल म्योसिस होती है जो इनकम्प्लीट टाइप की है रिड्यूस म्योसिस होती है उसे हम बोलते है एपो हैं एपोमाइसिस और आल्सो प्रेजेंट इन द कार्पस बट आंसर यहाँ पे देखते हैं कि जो म्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जब इस में तो रियल एक्चुअल जो डिविजन्स हैं वो क्या है दोनों इन्वॉल्व होते हैं या कोई सिंगल एक होता है तो गाइज करेक्ट आंसर आपका है सी यहाँ पे एक बार म्यूसिस होती है उसके बाद माइटोसिस होती है तो बहुत सारे म्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है करेक्ट आंसर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम बात करते हैं इन पे फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइट्रोब्लास्टी इन द इक्टोकार्पस पहले तो समझिए हाइट्रोब्लास्टी है, है क्या देखो हाइट्रोब्लास्टिक के बारे में कह रहा है कि इक्टोकार्पस में एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसका नाम है हाइट्रोब्लास्टी ठीक है और हाइड्रोब्लास्टी भी एक तरीका हम आपको बता देते हैं जो सिंपल फ्यूजन होने के बाद जो फ्यूजन होता है गेमिट का उसके बाद स्पोरोफाइड बनता है वो कैसा होता है डिप्लॉड इसी प्रोसेस में दूसरी कंडीशन होती है कोई गेमिट अगर फ्यूजन से रह जाता है तो वो गमिट पाथिनोजेनेसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बना लेता है उसे हम बोलते हैं पार्थिनो स्पोरोफाइट जो कि सिंगल गैमिट से बना है तो वो हैप्लाइड होता है ठीक है भाई ये कहलाती है आपकी हेट्रोब्लास्टी या पार्थिनो स्पोरोफाइट उस प्रोडक्ट को कहते हैं और जो स्ट्रक्चर बनती है जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है हेट्रोब्लास्टी इसमें क्या होता है डिफरेंट फेट होते हैं हाइड्रो का मतलब डिफरेंट और ब्लास्टिक का मतलब फेट जो बनने वाली स्ट्रक्चर है उसके फेट क्योंकि यहाँ पे इस जो स्पोरोफाइट है वो एक्चुअल में कहना होना चाहिए डिप्लाइट बट इसके थ्रू जो स्पोरोफाइट बनता है वो कैसा होता है हेप्लाइट अब सुने ऑप्शन में क्या है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट दी हाइड्रोब्लास्ट इन द इ्टोकार्पस पहला पॉइंट है कि इट इज कॉमन इन सम स्पीसीजीज ऑफ एक्टोकार्पस बिल्कुल सही बात एक्टोकार्पस कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि कोई गमिट जो होता है वो सिंपल जो नॉर्मल वे है फ्यूज आपस में फ्यूज होकर डिप्लाइट स्ट्रक्चर बनाने से रह जाता है तो वो सिंगल गमिट जो होता है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू एक न्यू मतलब स्पोरोफाइट का फार्मेशन करता है जो पूरी तरीके से डबलाइट स्पोरोफाइट की तरह ही होता है मगर जो प्लाइड ही होती वो डिफरेंस होती है जो एक्चुअल तरीके से बनता है जो नॉर्मल वे से बनता है वो डिप्लाइड होता है और जिस तरीके से बनता है वो हैप्लाइड होता है दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि म्यू स्पोर्स डेवलप डायरेक्टली इंटू पार्थिनो स्पोफाइड अब उस पार्थिनोस्पोरोफाइट में सिमिलर सब कुछ होता है म्यू स्पोर्स भी डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं पार्थिनोस्पोरोफाइट देखिए म्यू स्पोर्स कैसे हेप्लाइड होते हैं और जो पार्थिनोस्पोरोफाइट है पार्थिनो का मतलब पार्थिनोजेनेसिस बनने वाला वो भी हैप्लाइड था तो ये स्टेटमेंट आपके पास है ये भी सही है क्योंकि हैप्लाइड से हेपलाइड ही बने डिप्लाइड से भी हैपलाइड बन सकते हैं ये तो चांसेस हो सकते हैं मगर हैप्लाइड से तो हैप्लाइड बनेगा ही थर्ड स्टेटमेंट है कि नो डिफरेंस हैज़ बिन ऑब्जर्व बिटवीन द पाथिनोस्पोरोफाइट एराइजिंग फ्रॉम द ना, फ्यूज्ड गैमिट एंड पाथिनो स्पोरोफाइट एराइजिंग फ्रॉम दी हाइड्रो देखिए एक पॉइंट समझे यहाँ पे कि जो हाइड्रोब्लास्टिक के थ्रू मतलब बना है उसमें और जो नॉर्मल वे से जो स्पोरोफाइट बना है तो उनके बीच में कोई डिफरेंस होता है नहीं कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि ये डिफरेंस हम बात कर रहे हैं मार्फोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ऊपर से देखने में कोई ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा कि हम ऑब्जर्व ऊपर से ही करेंगे हम फिजियोलॉजिकली इंटरनली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्या नो डिफरेंस हैज बिटवीन डिफ्रेस है नॉन फ्यूज गैमिट एंड पाथिनोसप्रोफाइड एराइजिंग फ्राम दाइड्रोग्लास्टिक यहाँ पे अब आपके पास ऐसा लग रहा है कि तीन तरीके होगा एक नॉर्मल भी एक पार्थिनोसपोरोफाइड और एक हाइड्रोग्लास्टिक बिल्कुल सही बात है गाइस यहाँ पे तीन तरीके से हम हाइड्रो पाथिनोस्पोरोफाइड को बना रहे हैं कि दो तरीके जो पार्थिनोसपोफाइड बनता है एक हाइड्रोब्लास्टिक जिसमें

पाथिनोजिनेसिस के थ्रू उसकी प्लाइड भी अप्प्लाइड होती तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता गाइज करेक्ट आंसर आपका होता है डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हम बात करते हैं विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एक्टोकॉप एक्टोकॉपस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन द साइड्स ऑफ ब्रांचेस जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती हैं साइड का मतलब होता है बिल्कुल टिप पे बिल्कुल सही बात आपने अभी पिक्चर में देखा है करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन मतलब दूसरा बात है प्लोरीलोकुलर स्पोरिंग कंटेनिंग माइटोस्पोर्स माइटोस्पोर्स जो होते हैं प्लोरिलोकुलर मतलब हर चैम्बर के अंदर एक बनता है UH! जबकि यूनिलोकुलर के अंदर जो बनते हैं उन्हें म्यूस्पोर्स बोलते हैं और प्लोरिलोर के अंदर जो बनते हैं उन्हें माइटोस्पोर बोलते हैं पहले ये ध्यान रखना जो मेरे थमनेर पर बात है देखिए प्लोरिलोकुलर के अंदर मल्टीपल चैम्बर्स हैं ठीक है इस तरीके से हर एक अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो चेंज हो जाता है और जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है माइटोस्पोर कहलाती है जबकि यूनिलोकुलर के अंदर क्या होता है एक ही मतलब पूरा लोक्यूल होता है मतलब एक ही चैम्बर होता है उसके अंदर जो बनता है उसे हम बोलते हैं मियोजू स्पोर्ट्स या म्योस्पोर्ट्स सिंपल तो यूनियोकुलर का बॉडी क्या कहलाता है मियोजो स्पोर्ट्स और प्लोरोकुलर के अंदर जो बनता है उसे हम बोलते हैं माइट्रोजो स्पोर्ट बट दोनों ही इस केस में कैसे होती है बॉडी ये अप्लाइड बॉडी होती है ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है और वो जो माइट्रोस्पोर्ट्स होता है वो पैरेंट स्पोरोफाइट का फार्मेशन भी करता है आगे चल के यूनिलोकुलर एस्प्रंजिया इन विच सिंगल म्यूटिक डिवीजन फॉलोड बाय द सेवरल माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस म्यूस्पोल देखो ये वाली बात आ गई जो हमने समझाइए आपकी सिंगल जो आपका यूनिलोकुलर यूनिलोकुलर स्प्रंजिया में क्या बनता है म्यूस्पोज बन गए और पैरिलोकुलर स्प्रंजा में क्या बन गए आपके माइटोस्पोर बन गए ये हमारे थंबनेल पर जो मेंशन है इफॉर्मेशन उसका डिस्क्रिप्शन है गाइस ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट भी ठीक है कि यूनिलोकुलर जो होती है बन जाए टिप्पे बनती है आप अभी पिक्चर दोबारा से मैं आपको दिखा दूंगा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होता है गाइस डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर डी इस बारे पिक्चर देख लें कि जो यूनिलोकुलर रिस्पोजा होती हैं वो टिप पे बनती हैं देखें टॉप पे देखें देखेंगे आप इसे एक बार दोबारा से देख लें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया देखिए यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया आपने देखा है ना गई ये देखिए ये बिल्कुल कहाँ पे बन रही है टॉप पे पर बननी ब्रांच के टॉप पे टॉप खत्म तो ब्रांच जबकि आपकी प्लोलोकुलर जो आप देख रहे हैं वो आपकी बीच में बन जा रही है देखिए ये आपकी बीच जबकि ये है एक ब्रांच का लास्ट ये देखिए एक ब्रांच का कंप्लीट ये बीच में बन सकती हैं आगे चल के आगे दूसरी ब्रांच में इसमें जो एक ब्रांच कटी है उसके एक टॉप पर बनने के बाद खत्म तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है कि इनके डेवलपमेंट में दोनों के अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे फोर्टीन में इनमें जो फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिपोडक्टिव फिजियोलॉजी आप दिक्टोकार दे कार्पस देखिए सिंपल सी बात है एकटो फिजियोलॉजी का मतलब क्या जो इसके इनसाइड में हो रहा है फिजियोलॉजी का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन या जो बहुत सारी बातें आएंगी आप समझ जाएंगे ऑप्शन को देखते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन यहाँ पे सेल टू सेल का मतलब हुआ है सिंपल सा जो गैमीट से गैमीट स्पोर से स्पोर का जो अट्रैक्शन होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन बिटवीन द इक्टोकार्पस गैमीट इज मीडिएटेड बाय एन एसेटल ग्लूकस रेसिड्यू जो कहाँ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा ऑफ द फीमेल गैमिट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बहुत ही डीप स्टेटमेंट कि एन एस्टल ग्लूकोसामाइन एक केमिकल होता है जो फीमेल गैमेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होता है उसे देख के मेल गैमेट उसके पास आता है और फ्यूज हो जाता है तो इसे कहते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन जो होता है वो मीडिएटेड होता है एन एस्टल ग्लूकोसामाइन वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट का बिल्कुल सही बात है ऐसा होता है दूसरा पॉइंट है स्पोर के केस में देखिए एक फेरोमोन होता है फेरोमोन का मतलब ऐसे हार्मोन जो हवा के द्वारा हवा में अपना अट्रैक्शन शो करते हैं अपना इफेक्ट हवा के थ्रू करते हैं जबकि रियल जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो आपका ब्लड के थ्रू अपना काम करते हैं ये फेरोमोन्स एयर के थ्रू फेरोमोन है जिस जो केमिकली क्या हाँ से है अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन है दैट अट्रैक्ट मेल गमीट टू फीमेल गमीट मतलब मेल गमीट को अट्रैक्ट करता है फीमेल गमीट की तरफ इसका नाम क्या है एक्टोकारपिन तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक्टोकार्पिन क्या है रियल में ये मेल अट्रैक्टेंट है सीक्रेट किससे होता है फीमेल के थ्रू और क्या होता है केमिकली ये अनसेचुरेटेड पॉली हाइड्रोकार्बन से ठीक है केमिस्ट्री में अगर इसकी बात करें तो एक इंफॉर्मेशन और इसके बारे में ये थर्मोलेवेल मतलब थर्मो थर्म मतलब उस पर जो टेम्परेचर का इससे अट्रैक्शन होता है इस पर ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये बात ये बात दोनों पॉइंट है ये फिजियोलॉजी है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि जो गैमीट का अट्रैक्शन होता है वो आपका क्रिएट करा जाता है एक्टो तो कार्पिन के थ्रू और जो स्पोर्ट्स का अट्रैक्शन होता है एक दूसरे से या गैमिट का उसमें सेल्स सेल रिकग्नेशन सेल के लिए एक दूसरा केमिकल होता है जिसे बोलते हैं एन ग्लूकोसामाइन ठीक है ये भी सही बात है और थर्ड स्टेटमेंट है ज्वाइट्स ज्वाइट्स जो टर्म आता है वो भी गेमिट के लिए है और स्पोर्स दोनों के लिए जनरल टर्म आता है जॉइट का मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडी जो कि आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो, में एज वेल एज ए सेक्शुल रिपोडक्शन में हेल्पफुल होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन करता है कमीट करता है ए सेक्सुअल प्रोपोडक्शन में कौन करता है स्पोर्ट्स करता है तो जॉइट इज कॉमन टर्म फॉर बोथ तो जॉइट्स फ्रॉम प्योरीलोलर एंड यूनिलोकुलर कौन जी से सिमिलर ओवल इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर इनका पूरा जो ओवरऑल जो ऊपर से इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है बाहर वाला इंट्रा का मतलब देखिए बाहर वाला वो बिल्कुल सिमिलर होता है बट एक पॉइंट यहाँ पे क्या इनका बिहेवियर चेंज होता है जो लोकुलर इस पोजे में बनते हैं वो थोड़ा साइज के स्माल होते हैं तो जाहिर सी बात है स्मॉल जब साइज़ के होंगे तो उनकी स्विमिंग जो हल्का होता है ना वो स्विमिंग फास्टर करेगा ये बात बिल्कुल सही है गाइस तो इस तरीके से हमारा जो स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट इज करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में दोनों केमिकल को ध्यान रखें कि दो जगह दो केमिकल को ध्यान रखें जो इनके फ्यूजन में हेल्पफुल होते हैं एक एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन और दूसरा आपका एक्टोकार्पिन ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट आप पता ही कि जो आइए जो फिलकुलर स्पोर इंजिया में स्पोर बनते हैं वो साइड में छोटे होते हैं तो दे मूव रैपिडली एज कंपेयर टू तो द स्पोर फॉर्म इन द यूनिलोकुलर स्पोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हम बात करते हैं इन बच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द म्यो स्पोर्ट्स इन द इ्टो कार्पस देखिए इक्टो कार्पस में जो म्यू स्पोर्स हमने आपको बताया कहाँ बनेगा यूनिलोकुलर स्पोर में ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देखिए दिस द द्यूसपोर दि जर्मिनेट एमेट्री काली का मतलब किसी कोई सेमेट्री इस तरीके का जर्मिनट होता है रैंडमली प्रोड्यूस रॉइजवाइड एंड अपराइट फिलाेंट ठीक है राइजवाइड बना देगा नीचे वाला पोर्शन और उनका अपराइट फिलाामेंट भी फार्मेशन हो जाएगा ठीक है दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि म्यूसपोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हेप्लाइड हैप्लाइड हैप्लाइड का मतलब प्लाइडी तो जाहिर सी बात है, हैपलाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर गमिटो और गमिटो हमने बताया दोनों स्ट्रेन के भी लोग होते हैं प्लस का भी होता है माइनस का मतलब मेल भी होता है फीमेल भी होता है तो कैसे डायस्यूज गम्यूटोफाइट बहुत ही अच्छा सेंटेंस है गाइस समझने का म्यूज को जमनेट होने के बाद क्या क्या है क्या क्या बनाता है? है? पूरी बात लिखी है वैसे कह सकते हैं गैमिटोफाइट जिनने तीनों बातें लिखी है कि गैमिटोफाइट बनाएगा और कैसा बनाएगा हेप्लाइट बनाएगा और डायसिस बनाएगा क्योंकि गर्मिटोफाइट केस में आप देखेंगे मेल और फीमेल गर्मिट का होते हैं तो ये कंडीशन कैल सी कहलाती है डायसिस कंडीशन दीज आर फिलामेंटस जो गमिटोफाइट होता है वो कैसा होता है फिलामेंटस होता है सिमिलर टू स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट की तरह लगता है ऊपर से जैसे आपने पिक्चर में देखा बट टू इंपॉर्टेंट डिफेंसिस इनके अंदर होते हैं वो हमने यहाँ पर मैंशन नहीं करें आपको आगे बताएंगे कि क्या होते हैं टू इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं इन दो तो दूसरे में तीसरा स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन ऑफ म्यूस्पोर्स बाई दिस डिप्लाइट पाथिनोस्पोरोफाइट जो पाथिनोस्पोरोफाइट होते हैं डिप्लाइट उनके थ्रू जो इस जब म्यूस्पोर्स का फार्मेशन होता है तो इन्वॉल्व करता है एक म्योटो डिविजन और टू सिमिलर दैट ऑब्जर्व इन जाइगोड फॉर्म स्पोरोफाइट देखिए सिंपल बात समझें पहले जो पाथिनोस्पोरोफाइट बना पहले वो हाइप्लाइट था बाद में उन्होंने इंडोरी डुप्लीकेशन के थ्रू डिप्लाइट कर लिया खुद को फिर उसके अंदर जब म्यूसपोर का फार्मेशन होता है तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक्चुअल स्पोरोफाइट में म्यूसपोर का फार्मेशन होता है सेम वही मेथड के थ्रू पार्थिनोसपोरोफाइट में भी म्यूसपोर का फॉर्मेशन देर आर नो डिफरेंस कहने का मतलब बने जैसे भी स्पोरोफाइट चाहे वो पार्थिनोसपोरोफाइट हो चाहे वो स्पोरोफाइट मेन हो मगर जब उनसे म्यूसपोर का फॉर्मेशन होगा तो दोनों की मेकेनिज्म आप जो फार्मेशन है वो बिल्कुल सेम होगी डी स्टेटमेंट में कह रहा है कि म्यूसपोर प्रोडक्शन इन पार्थिनोसपोरोफाइट दैट फेल टू इंडो रिडुप्ली अकर्थ बाई नॉन रिपोडक्टिव एपोमोटिक इवेंट देखिए कैरा म्यूसपोर प्रोडक्शन इन पाथिनोसपोरोट्स दैट फेल टू इंडो रिडुप्लीकेशन एक कंडीशन है कि पाथनोस प्रोफाइड रियल में कैसा है पहले बनता है तो अप्लाइड होता है फिर वो इंडो रिडुप्लीकेशन के थ्रू ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू कैसा हो जाता है डिप्लाइड हो जाता है इन केस अगर जो पाथनोस प्रोफाइट है किसी वजह से अपने को डुप्लीकेट नहीं कर पाया मतलब डबल अपना नंबर नहीं कर पाया बट उनमें म्यूज पोर का फार्मेशन तो होना है तो वहाँ पर जो म्यूज पोर का फार्मेशन होगा वो एक न्यू प्रोसेस जिसका नाम है म्योसिस की तरह होगा मगर उसे क्या बोलेंगे एपोम्योसिस या एपोम्योटिक इवेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मियोसिस के बारे में आपने सुना होगा कि डिप्लाइड स्ट्रक्चर्स में यूजली आप डिप्लाइड स्ट्रक्चर में होती है जबकि जो माइटोसिस होती है वो डिप्लाइड में भी हो सकती है अपलाइड में हो सकती है तो कहने का मतलब मियोसिस का फार्मेशन में मियोसिस जो मियो स्पोर्स हैं उनके फार्मेशन मियो स्पोर का मतलब ये होता है कि मियोसिस के थ्रू बनेंगे अब मियोसिस होने के लिए डिप्लाइड स्ट्रक्चर होनी चाहिए अब पार्थिनोस प्रोफाइल चूँकि जब बनता है तो एक्चुअल में वो डिप्लाइड नहीं होता वो अप्लाइड होता है फिर वो इंडो रीडिप्लीकेशन के थ्रू खुद को डिप्लाइड कर लेता है अब कह रहा है कि मियो स्पोर का जो फार्मेशन पार्थिनोसपोरोड से होगा तो उसके लिए उसका डिप्लाइड होना जरूरी है अब इनके अगर कभी किसी कंडीशन में इस पार्सेंटेज प्रोफाइल डिप्लाइड नहीं हो पाया है तब उसमें म्यूजपोर का फॉर्मेशन उसमें एक स्पेशल म्योसिस होगी स्पेशल म्योस का मतलब एक रिड्यूस टाइप की म्योसिस होती है जिसे हम एपोम्योसिस कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है हमने इस पर क्वेश्चन भी बनाया था कि एपो म्योसिस कहाँ पाई जाती है वो एक्टोकार्पस में होती है तो यही इसका एक्चुअल साइट है किस कंडीशन में एपो होती है कि डिप्लाइड में होना थी बट इन केस वो डिप्लाइड नहीं कर पाया खुद को अनफॉर्चुनेटली तो म्यूस तो उसे बनना ही कंपलसरी तो एक स्पेशल टाइप की म्योसिस होती है जिसे हम एपोम्योसिस बोलते हैं गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है जितने स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हम बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि इन बज फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गैमिट्स ऑफ एक्टोकार्प इक्टोकार्पस में गैमिट का मतलब होगा हाइपलाइड बॉडी में जो प्लोरीलोकुलर गैमिट इंजिया बनती है उसके अंदर जो गैमिट बनते हैं वो गैमिट होते हैं अब इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है पहला सुनिए मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर मार्फोलॉजिकल आइडेंटिकल देखिए अंदर से मेल फीमेल होते हैं हमने कहा ना डायसिस कंडीशन होती है बट ऊपर से एक से होते हैं सही है बिल्कुल सही बात है दूसरे पॉइंट में कि मेल और फीमेल का आर डिफर विद रिस्पेक्ट टू तो उधर फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर में डिफरेंस होता है फिजियोलॉजी का मतलब कि कोई ज़्यादातर देर तक स्विम करता है कोई कम देर तक करता है बिहेवियर का मतलब कि अपनी डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं दूसरे के कंपेयर में ये चीजें होती हैं तो रिपोडक्टिव फिजियोलॉजी और बिहेवियर तो चेंज होता है बट मार्फोलॉजिकली आर सिमिलर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो थर्ड स्टेटमेंट है कि फीमेल का मीट जो होता है चूंकि थोड़ा बड़ा होगा वो जो रिलीज होने के बाद जल्दी से किसी सबसे से अटैच हो जाएगा सेटल सूनर एंड प्रोड्यूस फेरोमोन फेरोमोन का मतलब कि ऐसा कोई अट्रैक्टेंट आप सिक्रेट करेगा कि जो मेल को उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है और प्रोड्यूस होने के बाद एकदम फेरोमोन का सिक्रेशन करता है ये बात भी, भी बिल्कुल सही है और डी स्टेटमेंट है कि मेल गर्मिट स्विम फॉर ए एलंग मेल गर्मिट फीमेल कंपनी में काफ़ी देर तक तैरता रहता है एंड अट्रैक्ट अट्रैक्टेड होता है टू फेरोमोन जो मेल फीमेल ने सिक्रेट किया उसकी तरफ फिर बाद में अट्रैक्ट होकर उसे फ्यूज करता है जागवुड बना देता है और जायगोट से फिर क्या डिप्लाइड आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है तो डी स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही है कि है स्टेटमेंट एकदम करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुनिए इसे गाइस ज्वाइट्स ज्वाइट्स हमने बताया कि जो आपके स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट जोन दोनों के लिए दोनों बनने वाले स्पोर्स हो चाहे गैमिट्स हो दोनों के टर्मिलोजी यूज करी जाती है ज्वाइट ज्वाइट का मतलब रिपोर्डक्टिव बॉडीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन देशोडेशन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हें हम बोलते हैं जॉइट्स तो ज्वाइट्स एक्टोकार्पस कैपेबल ऑफ पॉजिटिव फोटोटैक्सिस पॉजिटिव फोटोटैक्सिस का मतलब हुआ कि ये जो होते हैं लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मतलब फोटो फोटो मतलब लाइट टैक्सिस का मतलब टूवर्ड्स मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड्स और पॉजिटिव का मतलब कि उसकी तर, उसे भागते नहीं बल्कि उसकी तरफ जाते हैं पॉइंट एंड देयर पोस्टीरियर जो फ्लेजला होता है आपने देखा होगा इस तरीके से हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं पियर सेफ्ट और इसमें इस तरीके से फ्लेजला होता है एक आपने देखा मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था ये जो है वो छोटा था इसे बोलते हैं विप्लेस और इसे बोलते हैं टेंसिल इस पर इस तरीके से वो भी होते हैं सीरियाज होते हैं छोटे छोड़ छोटे विप्लेस होते हैं ठीक है अब इसका जो ये पोस्टीरियर फ्लेजिला मतलब ये वाला इसमें ये देखा गया कभी एक आर्टो फ्लोरिज एक लाइट दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं आर्टो फ्लोरिसंेंस और कब दिखाई देती है वो लाइट स्पेसिफिकली उस पर जब हम ब्लू कलर की लाइट डालते हैं जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी जो वेबलेंथ की मतलब वो कहते हैं वो 450 फिफ्टी नैनोमीटर की होती है जब, जब उस पर स्पेशली हम ब्लू लाइट डालते हैं तब तो इस पर एक आट ओ फ्लोरेंस दिखाई देती है और ये बात बिल्कुल सही है क्वेश्चन में लिखा है कि आट ऑफ फ्लोरेंस तो होती है मगर वेन रिलेटेड बाई जब इस इसमें किस कलर की लाइट पड़े जब इस पर इस कलर की लाइट पड़े ब्लू कलर की करेक्ट आंसर आपका है बी तब ये एक आर्ट ऑफ फ्लोरेंस क्रिएट करता है या ऑफ फ्लोरेंस इमिट करता है गाइज़ करेक्ट आंसर आपका होता है बी सो थैंक यू वेरी मच गाइज